हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सेंटर अनवेल्स ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। तो ग्रीन क्रेडिट क्या है और ये ट्रेडेबल बना दिया गया है। तो क्या आपके पास अगर ग्रीन क्रेडिट है तो आप उसको बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल प्रोग्राम अलाउइंग एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू अर्न ग्रीन क्रेडिट। तो सबसे पहले इंडिविजुअल एंटिटी दोनों यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एंड ट्रेड इट ऑन द डेडिकेटेड एक्सचेंज। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक पहला पॉइंट हो जाता है, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और एंटिटी भी ले सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है क्या सिर्फ इंडिविजुअल ले सकते हैं कि एंटिटी ले सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट रेफर्स टू अ यूनिट ऑफ एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। और ये मत देखिए, सबसे पहले एक इंसेंटिव मिलता है किस लिए, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए। और वो कैसे एक्टिविटीज है, दैट डिलीवर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट पे प्लस साइन करवा दे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट करवा दे, उसको अच्छा करे, उसके लिए अ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड एट द नेशनल लेवल टू लेवरेज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर इंसेंटिवाइजिंग इन्वायरमेंटल एक्शंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। दूसरा पॉइंट नेशनल लेवल पर है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट आप देखिए क्या है, कॉम्पिटेटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच है। द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज EOFCC सेड इन द नोटिफिकेशन, दिस प्रोग्राम इज फॉलो अप एक्शन ऑफ द लाइफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कैंपेन। द नोटिफिकेशन एडेड दैट द न्यू प्रोग्राम इज अ वॉलंटरी वन। तो ये वॉलंटरी है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ गया कि ये वॉलंटरी प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम विल कवर एट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। देखिए अब एट टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। तो ये मैंग्रोव से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कंजर्व और रेस्टोर। तब आपको क्या मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। आप इंडिविजुअल है तब भी ले सकते हैं, एंटिटी है तब भी ले सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और इसका मार्केट बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, एट इसमें आपके टाइप्स के एक्टिविटीज़ के अंदर इसको मिलेगा आपको। टू गेट अ ग्रीन क्रेडिट वन नीड्स टू रजिस्टर द एक्टिविटी विद द एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू अ वेबसाइट। तो वेबसाइट पे पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। द एक्टिविटी विल देन बी वेरीफाइड बाय डेस्टिनेटेड एजेंसी एंड बेस्ड ऑन इट्स रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेटर शैल ग्रांट द एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन क्रेडिट। तो उसके ऊपर आपका पहले वेरीफाई किया जाएगा, तब आपको मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। अब देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे बोला गया ट्रेडेबल है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म। द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट शैल बी बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट पैरिटी ऑफ स्केल स्कोप साइज एंड अदर रेलेवेंट पैरामीटर्स टू अचीव द डिजायर्ड इन्वायरमेंटल आउटकम। द नोटिफिकेशन सेड द ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो इसमें रजिस्ट्री भी होगी और ये सारी चीज़ें आप में देखना पड़ेगा। द एडमिनिस्ट्रेटर विल स्टैब्लिश एंड मेंटेन अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जरूर कोई आईएएस आईपीएस ही करेगा, और आईपीएस नहीं आईएएस ही करेगा। द नोटिफिकेशन सेड दैट द प्रोग्राम वुड इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शन वाया मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। ये फिर से आ गया मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म विद एंड जनरेट ग्रीन क्रेडिट विच शैल बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म। तो क्या यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बन रहा है अपना, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं डोमेस्टिक मार्केट में। द इंसेंटिव एम्स टू इंकरेज इंडस्ट्री और कंपनीज एंड अदर एंटिटीज मीट देयर ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ दैट इज इन फोर्स फॉर अ टाइम बीइंग। हाउएवर द ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड और प्रोड्यूस टू फुलफिल एनी ऑब्लिगेशन इन कंप्लायंस विद एनी लॉ शैल नॉट बी ट्रेडेबल। तो अगर लॉ के अंदर ये ग्रीन क्रेडिट आपका आ रहा है तो वो ट्रेडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सिक्स पॉइंट आ जा रहा है, ये ग्रीन क्रेडिट से इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार देखते हैं, द ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड और प्रोड्यूस टू फुलफिल एनी ऑब्लिगेशन इन कंप्लायंस विद एनी लॉ, तो उसके लिए तो नहीं होगा, वो ट्रेडेबल नहीं है। द नोटिफिकेशन क्लेरिफाइड दैट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्बन क्रेडिट प्रोवाइडेड अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो यहाँ पे सेवन पॉइंट इसके अंडर में भी नहीं है। ठीक है, 2023 अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जनरेटिंग ग्रीन क्रेडिट मस्ट हैव क्लाइमेट क्लाइमेट को बेनिफिट्स सच एज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ कार्बन एमिशंस एंड मे गेट कार्बन क्रेडिट इट सेड।
तो अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। अब देखिए कौन सा कलर लूँ, ये भी तो एक कन्फ्यूजन ही है। तो सबसे पहले ग्रीन क्रेडिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये रहा आपका ग्रीन क्रेडिट। उसके हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इससे नहीं। सबसे पहले हम लोग ग्रीन क्रेडिट के फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर क्या है आप देखिए, ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल है कहाँ पे, डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, इसमें डोमेस्टिक में है। सेकंड, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं प्लस एंटिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड, और डेडिकेटेड एक्सचेंज पे होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड होता है, ठीक है, इंसेंटिव इज गिवन किस लिए, फॉर एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी, विच प्रोवाइड और गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे, ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ हमारा क्या है, मार्केट बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, फिफ्थ आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है ये। सिक्स्थ, लाइफ को फॉलो अप करता है। लाइफ क्या है आपका, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और सेवेंथ आप देखिए, एट टाइप्स हैं इसमें, ये जो एक्टिविटी की बात हो रही है, एट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। अब उस एट टाइप्स को देखिए, ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, और यहाँ पे मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो ये एट टाइप के ये हो गए। अब आप देखिए और क्या क्या है, ग्रीन क्रेडिट सर्टिफाई एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में, पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका देखिए क्या है, पैरिटी ऑफ स्केल स्कोप इन सब के बेसिस पे होगा। और आप देखिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट बता दिया आपको। ऑब्लिगेशन जो होगा, अगर आप किसी फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं तो वो ट्रेडेबल नहीं है, किसी लॉ के अंदर वो ट्रेडेबल नहीं है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंडर नहीं आता है, पर आप अगर ये कर रहे हैं, एंड इफ यू सेव कार्बन एमिशन देन यू कैन गेट कार्बन, ये क्या है आपका, क्रेडिट। तो आपको कार्बन क्रेडिट भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये 7 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप देखिए ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।